सऊदी अरब में एक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। सऊदी के हुकूमती टेलीविजन के मुताबिक मुल्क के एक हवाई अड्डे पर मंगल को हुए ड्रोन हमले में 8 लोग जख्मी हुए। एक हवाई जहाज इसमें इसका शिकार हुआ। यमन के साथ जारी जंग के बीच सऊदी अरब पर सबसे हालिया और पिछले 24 घंटे से हवाई अड्डे पर दूसरा हमला है। अभी तक किसी दहशतगर्दाना गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हवाई अड्डे पर हुए हमले में कोई भी नुकसान नहीं बताया गया। सऊदी 3 सैन्य गठबंधन की 2015 से यमन में ईरान हुती से लड़ाई चल रही है, जो सऊदी अरब के इंटरनेशनल हवाई अड्डे, सैन्य और दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं। वहीं इसके साथ ही एजेंसियां चौकन्नी हो गई हादसे में। यमन में सऊदी अरब के सदारत में मुल्कों की फौजें हुती इसके साथ जंग लड़ रही हैं। इस जंग के दौरान यमन में 1,30,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है।